प्रिय मित्रों, इस कोरोना काल में मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। मैं अक्सर कई लोगों से बात करते रहते हैं कि उन लोगों की कोरोना काल कैसे घट रही है, किस प्रकार लोगों की रुचि है, लोग क्या चर्च आते हैं या नहीं आते हैं, इस प्रकार की कॉन्वर्सेशन में करते रहता हूं। और मेरा कॉन्वर्सेशन से मुझे समझ में आया कि कई चर्चेस, खास करके जो चर्चेस जो इंडिपेंडेंट चर्चेस है, उनकी हालत बहुत खराब है। उनकी चर्च की रख रखाव, पास्टरों का मेंटेनेंस, ये सब बहुत ही मुश्किल की घड़ी है। तो हर एक ईसाई को सामने आकर उनकी मदद करना होगा, उन्हें ऐसे मदद करें कि जैसे संत पौलुस गैलातियों के नाम पत्र अध्याय 6 पद संख्या 2 में कहते हैं, एक दूसरे का बोझ उठाने में मदद करें। ये बहुत बड़ा बोझ है ये, जो कोरोना काल में चर्च को सही रूप से रखना, उसका मेंटेनेंस करना, पास्टरों का परिवार, उनको रख रखाव करना, यहाँ तक मेरे मानना है कि ऑर्गेनाइज्ड चर्च को भी बड़ी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं। वो कितने समय तक अपने जो रिजर्व फंड से खर्च करते रहेंगे? तो हम लोगों को इतना तो बोझ शेयर करना होगा कि चर्च की मेंटेनेंस और उसके जो लोग हैं, जो लोग उसी पर डिपेंडेंट है, उन लोग अपने जीवन यापन सही करें। ये हमारी दायित्व तो है। मैंने इस विषय पर मेरा कुछ लोगों से बातचीत करने पर मेरा एक दोस्त ने बहुत अच्छा सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि वे हफ्ते में एक बार कोरोना नियम का सब पालन करते हुए चर्च को खोलते हैं, सुबह से लेकर शाम तक ओपन रहते हैं। उनके चर्च के सभी मेंबरों को मालूम है कि चर्च खुला है और लोग आकर अपना डोनेशन बोले या अपनी दशांश बोले या चंदा बोले सब जमा कर देती है। काफ़ी अच्छा अमाउंट लोग आकर जमा करते हैं, उस पैसे से उनकी चर्च सही चल रही है और जिनको भी रिसिप्ट का जरूरत है वहीं के वहीं देते हैं। मेरा मानना है चर्चों को एक दिन खोलना चाहिए सुबह से शाम तक, लेकिन कोई भीड़ बनाने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। नियम का पालन करते हुए चर्च आकर अपना डोनेशन अपने पास्टर के पास या कमेटी के पास दे दे, ताकि चर्च की रख रखाव बढ़िया चलते रहे। और मेरा विश्वास है कि आप लोगों में से कई लोग ऑनलाइन सर्विसेज भी अटेंड करते होंगे, घरों में प्रार्थना भी करते होंगे या किसी न किसी ऑनलाइन ग्रुप से भी जुड़े होंगे। उन समय में आप लोग अपनी तरफ से कुछ ना कुछ चढ़ावा के रूप में कलेक्ट करिए, हफ्ते भर में उस कलेक्शन को जाकर चर्च में दान कर दीजिए, ताकि चर्च के रख रखाव भी सही चलते रहेंगे। चर्च अपना है, कोरोना तो निकल जाएंगे लेकिन एक इतिहास बनते हैं, उस इतिहास में आपका भी नाम स्वर्ण अक्षर में लिखे जाएंगे कि कोरोना का समय में भी इस महाशय ने अपने दिल खोलकर डोनेशन दिया। हम ये भी मानते हैं कि हम कहाँ से पैसा देंगे, अक्सर हम सोचते हैं, लेकिन हमें ये भी सोचना होगा, भले कोरोना हो कैसा भी हो, हमारा कोई भी कार्य नहीं रोकते हैं, हम बराबर करते हैं, तो क्यों नहीं चर्च को संभालने में भी हम मदद करें। मेरा आप लोगों से विनती है कि इस पर विचार करें, विचार करके अपने चर्च को मदद करें, चर्च सही रखने में मदद हो जाएंगे। पास्टर और उनके परिवार है, कई पुरोहित है, अपनी पर्सनल कार्य भी करने के लिए बहुत दिक्कत में होगा, उन्हें भी मदद हो जाएगा। मित्रों, बहुत शुक्रिया सुनने के लिए। थैंक यू वेरी मच।